शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दे तो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तो मैं शस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा, तुम्हें इसका संधान अब किसी और दिशा में करना होगा। वासुदेव, इस युद्ध में हमारे नाश का कारण केवल आप हैं। आप महामहिम भीष्म से लेकर मेरे पिता श्री की मृत्यु तक, कर्ण के वध से लेकर मित्र दुर्योधन की पराजय तक, इन सब का कारण केवल आप है। केवल आप। तो क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र का संधान मैं आपके ऊपर कर दूं और अपना और अपने पक्ष का प्रतिशोध लूं। नहीं वासुदेव, नहीं। एक साधारण से ग्वाले पर मैं अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। वासुदेव, तुम्हें तो इस महाविनाश की ग्लानी से ही मर जाना चाहिए। तुम पर संधान करने से क्या लाभ। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, क्यों ना मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान तुम पर करूं। क्योंकि राजा समाप्त अर्थात युद्ध समाप्त। इस एक अस्त्र से मैं इस युद्ध का परिणाम बदल सकता। तुम्हारे प्राण लेकर भ्राता श्री, परंतु नहीं, क्योंकि जिस मित्र दुर्योधन के लिए हमने ये युद्ध लड़ा वो अपने जीवन का युद्ध हार चुका। इसीलिए इस युद्ध और इस विजय का कोई अर्थ ही नहीं है। भ्राता भीम, गदाधारी भीम, क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारा संहार कर दूं, क्योंकि तुमने मेरे पिता के साथ छल किया और बड़ी निर्दयता से मेरे पिता का अंत करवाया। परंतु नहीं,
बताइए वासुदेव कि मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान किस पर करूं? उत्तर दीजिए वासुदेव, उत्तर दीजिए। संधान करूंगा, परंतु उस पर जिस पर संधान करने से मेरा वचन पूरा होगा, जो मैंने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता की जल्दी देह के समक्ष दिया कि मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये कामना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर, जहां पांडवों के वंश का अंतिम बीज पल रहा है। अश्वत्थामा, क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर में प्रहार कर दिया हो। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा, ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है। अश्वत्थामा, अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ। नहीं माता, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ, और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा भार। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ, अपितु इस नवजीवन की सुरक्षा करना आवश्यक है। धर्म के रक्षण के लिए इस नवजीव का जीवित रहना आवश्यक है पार्थ। रक्षा कीजिए, मेरे संतान पे कोई संकट आ रहा है। माता, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए माता, वैसा अनर्थ मत होने दीजिए।
प्लीज अब आप अभी ये बालक सुरक्षित है। किंतु ब्रह्मास्त्र रूपी का अभी भी इस पर घात लगाए बैठा है। इसलिए मैं स्वयं इस बालक की सुरक्षा और इसका मार्गदर्शन करूंगा। परंतु इस अद्भुत बालक की परीक्षा की घड़ी तो अब प्रारंभ हुई है। एक योद्धा की भांति इस बालक को इस संसार में जन्म लेना होगा, जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक योद्धा इस संसार में आने के पश्चात युद्ध लड़ता है, किंतु इस बालक को जन्म लेने के लिए संघर्ष करना होगा और जीवन की ये परीक्षा इसे स्वयं देनी होगी। तुमने सीमा पार कर दिया अश्वत्थामा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सच्चा हो जा, मरने के लिए अश्वत्थामा। विकोदर, अश्वत्थामा तुम्हारा गुरुपुत्र है और जन्म से एक ब्राह्मण भी इसकी हत्या का पाप तुम अपने सर पर ना लो विकोदर। किंतु माता, इसने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। अवश्य पार्थ, अश्वत्थामा ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है।
पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ। अर्जुन, अर्जुन मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। अर्जुन, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, वासुदेव क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चीरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरु पुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है।